इस बीच एक बड़ी खबर है, जयपुर से खबर है। सरकार की ओर से जनता को बड़ी राहत मिली है। 24 अप्रैल से 30 जून तक महंगाई राहत कैंप लगाया जाएगा। प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू होंगे। कैंपेन कैंपों में 30 विभागों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राहत कैंपों में 9 योजनाओं को शामिल किया गया है। गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, रोजगार गारंटी योजना, मनरेगा, सामाजिक सुरक्षा पालनहार योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और चिरंजीवी योजना को शामिल किया। विष्णु हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए। विष्णु, किस प्रकार का ये पूरा कार्यक्रम सरकार करने जा रही है, किन लोगों को इसमें लाभ मिलेगा, क्या प्रोसेस पूरा रहने वाला है, इस पूरी खबर में जनता को कैसे बड़ी राहत मिलेगी? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की ओर से बजट में कई जनता से जुड़ी हुई घोषणाएं की है, जिनसे महंगाई के साथ जनता को राहत मिलने वाली है। और इन तमाम घोषणाओं को लेकर सरकार ने जो घोषणा की, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन नीचे तक जाए और उसी को लेकर अब प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गाँवों के संग जो अभियान चलाया जा रहा है, उसके तहत महंगाई राहत कैंप सरकार की ओर से लगाए जाएंगे। और ये जो कैंप है वो 24 अप्रैल से 30 जून के बीच लगातार जो जिलों में नीचे गाँव स्तर तक ये लगाए जाएंगे। और उनमें जो करीब 30 विभाग है वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, यानी 30 विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी है वो इन राहत कैंप में, महंगाई राहत कैंप में रहेंगे। उसके साथ ही जो 9 बड़ी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर भी निगरानी रखेंगे। साथ ही किस तरह से लोगों को फायदा दिया जाए उस बारे में बात करेंगे। बात करें तो गैस सिलेंडर योजना है, जहां मुख्यमंत्री ने 500 रुपए के लिए सिलेंडर देने की बात कही है। उसमें बीपीएल और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी, उनको 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात कही है। और उसके लिए यहाँ इस योजना को इस महंगाई राहत कैंप में शामिल किया गया है। उसमें कैंप स्तर पर किस तरह से रजिस्ट्रेशन होगा, मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड का वितरण वहां किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना है, यानी जो घरेलू उपभोक्ता है उनको 100 यूनिट तक प्रतिमान निःशुल्क बिजली देने की बात कही गई है। वहीं जो कृषि उपभोक्ता है उनको 2000 यूनिट प्रतिमान निःशुल्क देने की बात कही है। तो उसमें भी उन योजनाओं के तहत किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे और मुख्यमंत्री का कार्ड का वितरण होगा, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले। तो इन्हीं बातों को लेकर ये महंगाई राहत कैंप दिया गया है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना भी जो सरकार ने लागू की है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन और फूड पैकेट वितरण का काम किया जाएगा। यानी जो शिविर लगाए जाएंगे महंगाई राहत कैंप, उनमें इनक्लूड किया जाएगा। बाकी जो मनरेगा है, शहरी रोजगार गारंटी योजना है, उन तमाम बातों के लिए भी रजिस्ट्रेशन और किस प्रकार किट का वितरण किया जाएगा, इन तमाम बातों को इसमें शामिल किया गया है। मतलब 24 अप्रैल से लेकर 30 जून तक के पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। गांव से लेकर शहर तक सभी को लाभान्वित करने का कोशिश यहां पर प्रयास सरकार करेगी। बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारियों के लिए।